एक्ट सेक्शन ए इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन ए हेतु तैयारी और पूर्व पश्चात आचरण घटना हेतु तैयारी पूर्व पश्चात आचरण ठीक ना। अब हेतु मतलब मोटिव, कब मैंने बताया था मोटिव क्या है, मोटिव आशय क्या उद्देश्य, मोटिव क्या है, चित्त की एक विशेष अवस्था जो किसी व्यक्ति को एक विशेष कार्य को करने के लिए प्रेरित करते हैं ठीक है, चाहे वो कार्य जो है विधिपूर्ण हो। हाँ, वो कार्य चाहे विधिपूर्ण हो चाहे वो अविधिपूर्ण हो, ठीक कार्य विधि तरह के होते हैं, एक विधिपूर्ण एक अविधिपूर्ण, लीगल इलीगल ठीक। तो उस कार्य विशेष को करने के लिए प्रेरित कर मोटिव वही है मेन चीज, सारांश में यही है। और हमने मोटिव के बारे में कल उदाहरण बताया भी था कि कोई जमीन है ठीक, उसमें मृतक और मृतक के भाइयों को उत्तराधिकार में मिली है, लेकिन एक भाई ने उसको गलत ढंग से अपने नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करा दिया है। इस मामले को लेकर के कई आपराधिक और दीवानी राजस्व संबंधी वाद चल रहे हैं, और मृतक उसकी पैरवी कर रहा था। तो यहाँ जो शेष अन्य लोग भाई लोग हैं जो अपने नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराया है, उसके लिए ये बहुत अच्छा मोटिव है कि मृतक क्योंकि बाद का पैरवी कर रहा है इसलिए इसको मारने का अच्छा मोटिव है, कठोर मोटिव है। ये इसको कहते हैं मोटिव आशय, मतलब कि किस चीज को हटा दिया जाए तो किसको लाभ पहुंचेगा ठीक। भाई कोई एक्ट होता है तो कोई पर्पज होता है ना, और उद्देश्य किस लिए होता है, प्रॉफिट के लिए। आप किस लिए पढ़ रहे हैं कि बड़े होंगे कहीं नौकरी करेंगे कुछ धनार्जन करेंगे परिवार पालेंगे माँ बाप खिलाएंगे, इसीलिए आप पढ़ रहे हैं ठीक ना। तो ये चीज है कि एक चीज माइनस होने पर किसको फायदा हो रहा है ठीक, तो वही है मोटिव समझ गए ना। इसमें जो है मृतक को हटाने का मोटिव उसके पास पर्याप्त है ठीक है। एक उदाहरण में दिया था न रहे बांस न बाजे, हटा दिया। अब प्रिपरेशन क्या चीज है, तैयारी, कोई भी कार्य तब संपन्न होता है जब आप विधिवत तैयारी के साथ शुरू करते हैं। जैसे आपको एलएलबी फर्स्ट ईयर या सेमेस्टर में पास करना है तो आप तैयारी कर रहे हैं ना, पढ़ लिख रहे हैं ना, तभी तो करेंगे। तो तैयारी, तैयारी मतलब वो आवश्यक संसाधनों को जुटाना जिससे अपराध कार्य करना है, जिससे वो अब घटना को घटित करने में सहयोग, साधन मतलब सहयोग मिलता है, तो उसकी तैयारी करना। अगर कोई तथ्य ऐसा है जो घटना में प्रयुक्त साधन की तैयारी जैसे कोई छिनैती करनी है
डकैती करनी है, डकैती करनी है या छिनैती करनी, मान लीजिए रॉबरी करनी है, लूट करना है, ठीक। तो लूट कैसे होगा? लूट के लिए सर्वप्रथम किसी व्यक्ति की मोटरसाइकिल छीनी गई। क्या किया गया? मोटरसाइकिल छीनी गई, तैयारी शुरू हो गई यहां से। मोटरसाइकिल छीन करके सड़क पर उपस्थित हुआ गया, ठीक। कुछ असलहे अपने साथ रखे गए, मांगे गए, खरीदे गए, जहां से भी किए। तो इन सभी तत्वों की अगर कहीं से मिलता है वो विवादक तत्व से सुसंगत होते हैं, तैयारी दिखा रहे हैं, ठीक ना। अब उदाहरण हम तैयारी के रूप दे रहे हैं, दृष्टांत। अब उन दृष्टांतों के माध्यम से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एकदम से क्लियर होता चला जाएगा। अब का विचारण एक दृष्टांत है, इसमें आप डिविडेंड पढ़ेंगे, दृष्टांतों को पढ़ेंगे, डायरेक्ट लैंग्वेज पढ़ेंगे, वो हर चीज आपको क्लियर होती चली जाएगी, ठीक ना। का विचारण, का विचारण कहां? न्यायालय में। का विचारण खाकोर विश्व से मारने या हत्या करने के लिए किया जाता है। किसको मारने के लिए? खाकोर, ठीक। वो खा से, खाकोर को विष दिया गया था, विष, ठीक। उसके जो लक्षण थे विष के, हर पॉइजन के जो सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, घटना के पूर्व का के द्वारा ऐसे लक्षण युक्त विष को का की दुकान से खरीदा गया था। तो ये तत्व जो है विवादक तत्व से सुसंगत है। ये क्या दिखा रहा है कि तैयारी दिखा रहा है? क्या दिखा रहा है? तैयारी दिखा रहा है ये दृष्टांत, ठीक ना। या आचरण, आचरण के जो घटना के का विचारण खा की हत्या के लिए है, ठीक। प्रश्नगत है कि क्या का ने खा की हत्या किया है? घटना के तुरंत बाद का फरार हो जाता है, भाग जाता है। तो ये बात का जो आचरण है कि क्या है, ये आचरण क्या शो कर रहा है कि ये विवादक तथ्य से सुसंगत है। जो भी व्यक्ति अपराध करता है वो भागता है, जो आपराधिक युद्ध की कार्रवाइयों से अपने को छिपाने के लिए भागता है, क्या करता है? भागता है, ठीक है। या उस समय उपस्थित होने वाले व्यक्ति, होने वाले
देख घटना कहीं कार्य करना है, वहां पर नेचुरल वे में कुछ लोग उपस्थित रहते हैं सामान्य रूप से, ठीक ना। कार के द्वारा इन उपस्थित व्यक्तियों को हटाने का प्रयास किया, हटवाया एक साजिश के तहत कि यहाँ चले गए, वहां चले जाओ, यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ। और जब यहाँ कोई नहीं बचा तब काने खाकी हत्या कर दी। तो ये भी इन लोगों को हटाना घटनास्थल से जो नेचुरल वे में वहां उपस्थित रहते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ये तैयारी आ जाएगा, ठीक। घटना के पूर्व तैयारी, वो स्थिति और परिस्थिति पैदा की गई जिससे कोई साक्ष्य न मिले, ठीक ना, और घटना कार्य करने में आसानी हो। अगर ये लोग उपस्थित होते तो घटना कार्य हो सकती थी, नहीं हो सकती थी। तो ऐसे तमाम दृष्टांत इसमें दिए गए, ठीक ना। जैसे का विचार था कि हत्या के लिए हो रहा है, ठीक, गा के द्वारा का की उपस्थिति में यह कहा जाता है, कहा जा रहा है कि खा की हत्या के मामले में उस अभियुक्त की तलाश करने के लिए पुलिस आ रही है। क्या कर रही है? पुलिस आ रही है। गा किसे कहता है? का से कहता है। और उसके उपरांत का क्या करता है? वो भाग जाता है। कहां जाता है? भाग जाता है या इनकार नहीं करता, घटना के बारे में इनकार भी नहीं करता और भाग जाता है। ये भी घटना के पश्चात आचरण शो कर रहा है। ये तथ्य क्या बता रहा है? घटना के बाद आचरण को दर्शित कर रहा है, इसलिए इस विवाद तथ्य से सुसंगत राय, ठीक। ऐसे अनेक दृष्टांत उसमें दिए गए, कम से कम 10-12 दृष्टांत ऐसे हैं। जैसे कोई वसीयत है, ठीक, ये प्रश्नगत वसीयत का के द्वारा लिखी गई है, का के द्वारा, के द्वारा अमुक समय व दिनांक को लिखी गई है। प्रश्न यही है, प्रश्न क्या है कि का के द्वारा अमुक वसीयत अमुक समय अमुक दिनांक पर लिखी गई है, उस अमुक समय के पूर्व, ठीक पूर्व, का के द्वारा किसी अधिवक्ता के माध्यम से वसीयत के बारे में समझना, क्या करना, समझना, प्रारूप तैयार करवाना, ठीक। ये सारे जो तथ्य हैं ये विवादक तथ्य से सुसंगत हैं कि भाई कोई वसीयत करेगा तो उसके पहले कोई जानकारी तो करेगा, कैसे वसीयत होती है, किसी लीगल एडवाइजर के पास जाएगा ना, समझेगा कि वसीयत किस ढंग से लिख जाए, कौन सी पैरा लिख जाए, कैसे लिख जाए, किस रूप में लिख जाए, तो ये ठीक, ये भी ये तथ्य सुसंगत होगा बाद तक। ऐसे तमाम दृष्टांत हैं, उन दृष्टांतों को आप ध्यान से धीरे धीरे पढ़ेंगे और बैरेट लैंग्वेज पर ध्यान देंगे तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। कोई दिक्कत कहीं है? हेतु है, आचरण है, तैयारी है, ये सब जो भी तथ्य होंगे वो विवाद तक से सुसंगत हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे एक घायल व्यक्ति है, सड़क पर भाग रहा है, घायल है, नाम भी लेते जा रहा है, जो समकालीन घोषणाएं बताए थे, तो उसका भी तो एक आचरण है, वो उसका भी तो एक आचरण है। घटना के बाद भाई, घटना के बाद घायल अवस्था में भाग रहा है, नाम दे रहा है, बता रहा है कैसे किसको मारा गया, किस रूप मारा गया, ये भी आचरण भी विवादित तत्व से सुसंगत है।
इसलिए भी एडमिशन कराए, ठीक ना। अब आपको हम सेक्शन 9 पढ़ाते हैं। सेक्शन 9 इसमें ये है कि सुसंगत तथ्य, सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण की कारण या पुनर्स्थापन जो तथ्य सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण करते हैं, या पुनर्स्थापन में करते हैं, वह तथ्य सुसंगत होते हैं, ठीक ना। जैसे किसी डकैती में शिनाख्त परेड होती है, शिनाख्त, ठीक ना, क्या होता है आइडेंटिफिकेशन परेड, शिनाख्त। जैसे कई अभियुक्त हैं, ये चार अभियुक्त हैं, इन्होंने मिलकर घटना कार्य किया है, किसी का मर्डर किया है, साक्षी इनको पहले से जानते नहीं है, इनका नाम पता सब अज्ञात है, ठीक। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी भी साक्ष्यों के तहत कैसे भी इनको पकड़ा गया, ये चार लोग शामिल थे, साक्षी नहीं जानता इनका नाम पता। अब ये देखना है कि वास्तव में ये लोग घटना में शामिल थे कि नहीं शामिल थे, ठीक। गवाह उपस्थित है, गवाह के दृष्टि में है, देखने वाली जितनी क्षमता है उसके अंतर्गत है ये लोग, लेकिन उनका नाम पता नहीं जानता, ठीक। तो इसमें क्या होगा, ये इनकी सबकी शिनाख्त परेड होगी, ठीक। सेक्शन 9 के तहत शिनाख्त परेड होती है। अब इनमें जो है ऐसे कई लोग मिलाए जाएंगे, इनसे मिलते जुलते इन लोगों को मिलाया जाएगा, ठीक है ना। और गवाह को उपस्थित किया जाएगा, गवाह कहेगा कि इनमें से कौन लोग घटना में शामिल थे। अगर गवाह ने इनको देखा है, पहचाना है, पर्याप्त रोशनी रही और देखने का पर्याप्त अवसर रहा घटना में, तो गवाह इनमें से पहचानेगा कि ये थे, उंगली रखेगा, ये भी थे और ये भी थे और ये भी थे। और ये सब चीज कब होगा, मजिस्ट्रेट के समक्ष होगा। शिनाख्त परेड किसके समक्ष होती है, मजिस्ट्रेट के समक्ष होती है और उसका पूरा लेख लिखित होता है। तो अब ये फैक्ट, ये तथ्य, इस घटना में ये शामिल थे, ये सुसंगत हो गए, इनका जो विचारण किया जा रहा है इस मामले में, इस हत्या के अपराध में, ये इससे सुसंगत हो गया, क्या हो गया, ये वास्तव में घटना में शामिल थे, ठीक ना। लेकिन केवल शिनाख्त परेड के आधार पर किसी को दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता है, और उसके सपोर्ट में एविडेंस होनी चाहिए, ठीक ना। तो इस तरह से ये सुसंगत तत्वों के स्पष्टीकरण करते हैं या उनको पुनर्स्थापित करते हैं, ठीक ना। इस तरह से प्रश्न यह है कि
ई अब कथित, अब कथित बिल का के द्वारा लिखी गई है यह दिशा लिखी गई है। कथित बिल के लिखे जाने के समय, कथित बिल लिखे जाने के समय का की पारिवारिक स्थिति, का की पारिवारिक स्थिति सुसंगत होगी, ठीक है ना। पारिवारिक स्थिति क्या है वो इससे सुसंगत होगी कि पारिवारिक स्थिति ऐसी क्या थी कि इन्होंने बिल वसीयत किया अपने उत्तराधिकारियों से हटके। जैसे खा का लड़का है, ठीक, और का ने किसकी पक्ष में वसीयत कर दिया, राह की, ठीक। अब यह है, ये चैलेंज कर दिया इन्होंने कि ये वसीयत का के द्वारा नहीं लिखी गई है, और तब इन्होंने ये दिखाया कि जिस समय बिल लिखी जानी कही जाती है उस समय का की पारिवारिक स्थिति ये थी जिसके तहत हमारे पक्ष में बिल लिखा गया। तो वो जो स्थित है पारिवारिक वो इस विवादक तत्व से सुसंगत होगी, उसको स्थापित करेगी, ठीक ना, ये ओके।